लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज विरार में जो घटना हुई है, अस्पताल में आग लगने के बाद कई लोगों की मृत्यु वहां पर हुई, ये महाराष्ट्र में लगातार पिछले 6 महीने में 5वीं घटना है। भंडारा में घटना हुई, ईशान्य मुंबई में घटना हुई, नासिक में घटना हुई, नागपुर में घटना हुई और अब विरार में भी उसी प्रकार की घटना यहाँ पर घटी है। और हर दुर्घटना के बाद, हर अग्निकांड के बाद हम ये कहते हैं कि इसकी जांच करेंगे, जांच तो करनी पड़ेगी, लेकिन फायर सेफ्टी ऑडिट की बात लगातार मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो हो नहीं पा रहा है। अभी कोविड हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, ऐसे समय सरकार ने एक यंत्रणा तैयार करनी चाहिए और उस यंत्रणा के माध्यम से सरकार ने इसका फायर सेफ्टी ऑडिट करना चाहिए। अभी के समय हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं जिनको मृत्यु आई है उनके परिवार के साथ में है। देखिए, बहुत ही असंवेदनशील इस प्रकार का यह बयान है, कि किस मानसिकता से उन्होंने दिया है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, परंतु ऐसे समय ऐसा बयान देना ये बिल्कुल असंवेदनशीलता का परिचायक है। देखिए, एनआईए की जांच चल रही है और जैसा पहले भी ये कहा गया है कि इस मामले में कई लोग जो है वो धीरे धीरे बाहर आएंगे, तो उसी कड़े में मुझे लगता है कि ये अरेस्ट यहाँ पर की गई होगी, उसकी ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है।